नमस्कार सभी को स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर मेरा नाम अक्षय आज हम टाटा हैरियर फियरलेस प्लस एस डी के ऑटोमेटिक के इंटीरियर के बारे में बात करेंगे डोर के ऊपर आपको रिक्वेस्ट आंसर मिलता है और मैनुअल की लगाने के लिए होल दिया जाता है आइए डोर को ओपन करते हैं डोर ओपन जब आप करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको इतना वाइड ओपन डोर होता है यहाँ पर आपको ओ आर वी एम के एडजस्टमेंट के लिए दिया गया है ये आपकी पियानो ब्लैक की फिनिश आपको येलो इंसर्ट दिया गया है उसी के साथ में आपको दिया जाता है आपका लीवर ये लॉक अनलॉक करने के लिए और ये आपका सॉफ्ट टच ब्लैक कलर में और ये आपके पावर विंडो कंट्रोल्स और आपको इसी के नीचे थोड़ी सी स्पेस दी गई है और ये आपका स्पीकर आपको जे बी एल का टेन स्पीकर सिस्टम मिलता है आपकी न्यू हैरियर के अंदर यहाँ पर आपको रेड लाइट दी गई यहाँ पर आपको सिक्स वे पावर एडजस्टेबल सीट्स मिलती है थ्री मेमोरी फंक्शन के साथ आती है वेंटिलेटेड सीट्स हैं आपको को पैसेंजर साइड आपको फोर वे पावर इलेक्ट्रॉनिक सीट्स मिलेंगी यहाँ पर आपको आगे पीछे ऊपर और नीचे करने का ऑप्शन मिल जाएगा ये आपकी ऑटोमेटिक है तो आपको जो है क्लच नहीं आता है ब्रेक एंड रेस आपकी दी जाती है और ऐसी दिखती है आपकी सीट्स सीट्स के ऊपर आपको येलो कलर की स्टिचिंग मिल जाती है लेदर इंटीरियर है आपको यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है और यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिल जाती हैं चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच दिया जाता है येलो कलर की स्टिचिंग मिलती है उसके ऊपर उसी के ऊपर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है उसके ऊपर आपको येलो इंसर्ट मिलता है येलो इंसर्ट के सेंटर में आपको स्टार स्टॉप बटन मिलता है ए सी वेंट के चारों तरफ आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है आपको टाटा हैरियर फेयरलेस एस प्लस के अंदर टेन स्पीकर सिस्टम मिलता है जिसके अंदर आपको फाइव स्पीकर फोर ट्वेटर आपका वन सब ओफर आता है और आपको फ्लैट बॉटम स्टेरिंग व्हील आता है न्यू टाटा एल्यूमिनेटेड लोगों के साथ आता है जो यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश लेदर एप स्टेयरिंग व्हील है बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ये अटेंशन ग्रैब करता है ये आपको येलो स्टेंचिंग मिलती है जब आप ऑन करेंगे तो आपका इस प्रकार का लुक आएगा देखिए एलिमिनेट होने के बाद स्टेरिंग माउंट्स कंट्रोल्स की बात करें तो ये कंट्रोल आपके क्रूज कंट्रोल आपका एडास फंक्शन और आपके एम आई डी के कंट्रोल्स हैं सेंटर में टाटा का लोगो है ये आपका इंफोटेनमेंट का कंट्रोल्स आपका वॉइस असिस्ट का कंट्रोल्स पैडल शिफ्टर्स आते हैं आपके वाइपर्स के कंट्रोल दूसरी साइड में भी आपका पैडल शिफ्टर है और आपका लाइट्स का कंट्रोल आता है यहाँ पर और यहाँ पर आपको मिलती है टेन पॉइंट टू फाइव इंच की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्क्रीन जो कि बहुत ही ब्राइट है यह आपको शो करेगी आपके डायल व्यू फेवरेट डायल व्यू के अंदर आपको डायल वन और डायल टू आप सेट कर सकते हैं यह आपको आपकी एवरेज आपकी ट्रिप ए ट्रिप बी इंस्टेंट फ्यूल डिस्टेंस टू एम आपका ड्राइवर असिस्ट ड्राइवर टेंशन डीजल एग्जॉस्ट फ्लूड टी पी एम एस फोर्स मीटर सर्विस रिमाइंडर डीजल एग्जॉस्ट फ्लूड जैसे कई फीचर्स नेविगेशन भी शो करेगी ये नेविगेशन कंपास, मीडिया सीट बेल्ट रिमाइंडर इंजन टेंपरेचर, स्पीड आर पी एम टाइम डेट आपके गेयर शिफ्ट इंडिकेशंस ड्राई मोड्स और भी बेहतरीन फीचर्स चलिए अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर आपको स्पीकर दिया गया यहाँ पर आपको ए सी इवेंट मिलता है पैनो ब्लैक फिनिश सराउंडिंग में यह आपकी परसोना थीम्ड इंटीरियर कहता है टाटा इसे येलो कलर की फिनिश हम कहते हैं इसे उसके नीचे आपको पेनो फिनिश आपकी एमेंट लाइट और आपका सॉफ्ट टच येलो कलर में स्टिचिंग आपका ग्लो बॉक्स कुछ इस प्रकार से ओपन होगा ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि आपको टैबलेट रखने के लिए स्पेस दी गई है थोड़ी स्पेस और लाइट के साथ आता है ये और ये आपका 12.25 इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम बाय हारमन ये आपको सपोर्ट करेगा एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो नेविगेशन और जब आप इसके सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि तो आप यहाँ पर आपको मिलता है ए क्यू आई अमेजोन एलेक्सा क्लाइमेट इमेज व्यूअर जेबिल मोड्स मीडिया मोडलाइट फोन फोन सेटिंग्स क्विक सेटिंग्स रेडियो सेटिंग्स लोकेशन, साउंड डेमो साउंड व्यू टाटा असिस्ट वीडियो प्लेयर वॉइस असिस्ट जैसे कई फीचर्स आपको न्यू टाटा हेरियर फील एस एस प्लस के अंदर ड्यूल जोन क्लाइमेट ए सी मिलते हैं जिससे आप ड्राइवर साइड और को साइड अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर पाएंगे आपको एमेंट लाइट मिलती है जिसके कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये ए सी वेंट्स है यहाँ पर आपको टच स्क्रीन पैनल मिलता है जो अभी टाटा ने हाल फिलहाल में ही लॉन्च किया है ये ये आपका नेक्सोन सफारी हरियर सभी में आता है यू पोर्ट आपका यू टाइप सी पोर्ट वायरलेस चार्जिंग पैड ये आपका ड्राई मोड सेलेक्टर आपने कौन से मोड पर गाड़ी चलानी है नॉर्मल रफ़ एंड आपका टेरन मोड यहाँ पर आपको हिल स्टार्ट असिस्ट मिलता है ई e शिफ्टर आता है न्यू टाटा हैरी फील एस प्लस ऑटोमेटिक के अंदर पी ब्लैक फिनिश पार्किंग ब्रेक आती है ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ यहाँ पर आपको कप होल्डर दिए जाते हैं ये आपका आर्म रेस्ट आम रेस्ट के अंदर आपको ट्वेल्व वोट का पोर्ट मिलता है यूएसबी टाइप सी यूएसबी टाइप ए आपको दिया जाता है और ये बंद हो जाता है इसके ऊपर स्टिचिंग मिलती है आपको यहाँ पर आपको बॉस मोड का फंक्शन नहीं आता है ऐसे दिखती है आपकी सीट्स लेदर सीट्स हैं हैंडल ये यह आपका यहाँ पर आपको वेंटिलेटर मिलता है इसे जब आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि ये इतनी जगह छोड़ देता है इसे बंद करते हैं हम यहाँ पर आपको फंक्शन मिलता है आपकी सनरूफ खोलने के लिए वन टच से आपका जो है सनशेड हट जाएगा और वन टच से ही आपकी जो है सन रूफ ओपन हो जाएगी वॉइस असिस्ट भी आता है जिससे आप कार के कई फीचर्स एक्टिवेट और यूज़ कर पाएंगे जब आप सनरूफ खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो सनरूफ है कुछ इतनी ओपन होती है बहुत ही वाइड ओपन होती है बहुत ही बड़ी सनरूफ दी जाती है कृपया करके इससे बाहर ना निकले चलती गाड़ी में धन्यवाद बहुत बहुत आपका बस बात मान लीजिएगा हमारी ये सेफ नहीं है वैसे हाँ अगर गाड़ी खड़ी है तब आप बाहर निकलिए आराम से और जब आप बटन दोबारा दबाएंगे तो आपकी सनशेट दोबारा लग जाएगी यहाँ पर आपको बी कॉल ई कॉल का फंक्शन मिलता है यहाँ पर आपकी लाइट ऑन ऑफ करने के लिए बटन दिए जाते हैं जब आप इसे खोलेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड मिरर नहीं मिलता है और इसे खोलिए इसे जब हम पूरी तरह ओपन करेंगे ये स्लाइडेबल नहीं होता ये फिर भी स्पेस बहुत छोड़ देता है आपको सेवन एयर बैग्स आते हैं न्यू टाटा हेरियर के अंदर कुछ इस प्रकार का आपका डैशबोर्ड दिखता है आइए अब हम बैक सीट से बात करते हैं चलकर कुछ चीज़ मैं भूल गया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको न्यू टाटा हैरियर फील्ड एस प्लस फेस लिफ्ट के अंदर जे बी एल मोड्स आते हैं अगर आप म्यूज़िक के बहुत ही शौकीन पर्सन हैं तो आप अपने मनपसंद म्यूज़िक को अपने मोड्स के हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे जिससे आपको म्यूज़िक का बेहतरीन आनंद आएगा तो इस प्रकार से आपको फीचर दिया जाता है ये आइए अब हम रेयर सीट से बात करते हैं आपको वहाँ पर क्या क्या मिलता है बॉडी कलर डोर हैंडल आता है तो ये डोर आपका इतना वाइड ओपन होता है रेयर में आपको ट्विटर दिया जाता है ये आपकी येलो फिनिश पेनो ब्लैक फिनिश यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच पावर विंडो कंट्रोल ये आपका लीवर करने के लिए बटन ट्राई पैटर्न आता है आपकी सॉफ्ट टच पर यह आपका सन शेड जो आपको मैनली लगाना पड़ेगा लेकिन बहुत ही बेहतरीन है फंक्शन ये भी थोड़ी सी स्पेस इसके नीचे आपको बॉटल होल्डर के लिए स्पेस और ये आपका स्पीकर और ये आपको लाइट दी जाती है अगर आप नाइट में इमिडिटली अगर दरवाज़ा खोलते हैं तो ऐसे दिखती है आपकी रेयर सीट्स रेयर में आपको आई फिक्स चाइल्ड माउंट थ्री पॉइंट एड सीट बेल्टस आपको ट्राई पैटर्न मिलता है ये आपका सॉफ्ट सा पिलो टाइप आपको मिडिल पैसेंजर के लिए कोई भी हेडरेस्ट नहीं मिलता ये आपको आम ब्रश मिलता है ट्विन कप होल्डर के साथ आता है जो पार्सल शेल्फ मिलती है आपको आपको सब ओफर आपके बूट में प्लेस है मेरी हाइट है फाइव पॉइंट एट फीट मेरी हाइट के हिसाब से आगे बड़ी सीट एडजस्ट है इतनी आपको स्पेस मिलती है देखिए इतना लेग रूम और इतना आपको अंडर थाई स्पॉट मिलता है जो कि मेरे हिसाब से डिसेंट है आपको पिलर के ऊपर ए सी वेंट मिलता है यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ इतना रूम मिलता है सिक्स फीट का पर्सन सिक्स पॉइंट टू फीट का पर्सन ईज़िली बैठ जाएगा यहाँ पर आपको हैंडल हुक लाइट दी जाती है आपको दूसरी साइड भी हैंडल हुक और लाइट दी जाती है और यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से आप बटन को दबाकर और सीट गिरा सकते हैं सिक्सटी फोर्टी स्प्लिट सीट्स का आपको फंक्शन दिया जाता है फोर सिक्सटी सिक्स लीटर की बूट स्पेस मिलती है अगर आप रे सीट फोल्ड करते हैं तो आपको एट थर्टी सेवन लीटर की बूट स्पेस मिल जाएगी आपको यहाँ पर सब ऑफर मिलता है बूट में आपको लाइट दी जाती है थोड़ी सी स्पेस दी जाती है हुक दिए जाते हैं आपको पार्स शेल्फ दी जाती है तो ये कुछ था आपके न्यू टाटा हैरियर फियरलेस प्लस डी के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में ये आपका टॉप मॉडल है अगर आपने इसकी एक्सटीरियर की फुल डिटेल वीडियो नहीं देखी है जाकर देखिए और बताइए हमें कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन के अंदर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले आने वाली बेहतरीन वीडियोस के लिए धन्यवाद तब तक के लिए सभी को राम राम जय हिंद